सूरत में एक बार फिर मजदूरों ने घर जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। मजदूर हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। इसमें कुछ जगहों पर पुलिस और मजदूरों में झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। सूरत के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र के पास मोरा गांव के बाहर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों और पुलिस में टकराव हुआ है। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे इन मजदूरों की मांग है कि उन्हें ले जाने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि जल्द से जल्द वो सभी अपने घर जा सकें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे मजदूरों में बड़ी संख्या झारखंड और उत्तर प्रदेश के मजदूरों की है। पुलिस मजदूरों से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। इन मजदूरों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी 11 अप्रैल को मजदूरों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें 60 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। उस प्रदर्शन में कुछ सब्जी की रेड़ियों में आग भी लगाई गई थी। हिंसा के चलते पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। मजदूरों का दूसरा जमावड़ा 4 मई को लगा था, जिसमें मजदूरों ने खाने पीने के सामान और घर जाने की व्यवस्था कराए जाने की मांग की थी, और अब मजदूर ट्रेन की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सरकार मजदूरों को ले जाने के लिए राज्यों की रजामंदी से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है, लेकिन इसमें एक बार में 1100 से 1200 तक ही यात्री जा सकते हैं, जिसकी वजह से अभी भी मजदूरों का एक बड़ा तबका सूरत में फंसा हुआ है। न्यूज़ डेस्क।